इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए हर जनहित के कार्य का जमकर विरोध करते हैं, परंतु जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने सीसीटीवी कैमरा की योजना का कट्टर विरोध करा, ये अपने आप में एक अचंभे की बात थी। उन्होंने इस सीसीटीवी कैमरा का विरोध क्यों करा? सीसीटीवी कैमरा लगने से तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, दिल्ली में कानून व्यवस्था बेहतर होगी और अपराध कहीं ना कहीं थम जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा पर, अपराध थमने पर किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है? परंतु फिर भी भाजपा और कांग्रेस ने जमकर इसका विरोध करा, ये अपने आप में एक अचंभे की बात थी। परंतु अब एक भाजपा के नेता ने हमसे मिलकर ये जानकारी दी और इस पूरे विवाद पर रोशनी डाली और ये बताया कि माननीय उपराज्यपाल को ये एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये निर्देश जारी करे गए हैं भाजपा द्वारा और केंद्र सरकार में बैठी भाजपा द्वारा, कि यदि सीसीटीवी कैमरा हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे दिल्ली में लग गए तो भाजपा और कांग्रेस चुनाव से पहले शराब और पैसा नहीं बांट पाएंगी, उनकी ये राजनीतिक दुकानों पर ताला लग जाएगा और कहीं ना कहीं शराब और पैसे बांटने का काम जो भाजपा और कांग्रेस चुनाव से पहले करती हैं, वोट बटोरने के एक प्रकार से इल्लीगल काम करती हैं, उस पर रोक लग जाएगी और उनके वो काले कारनामे, वो काली करतूतें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएंगी। इससे डरकर, इससे भयभीत होकर भाजपा ने माननीय उपराज्यपाल को ये निर्देश जारी करे हैं कि किसी भी सूरत में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा ना लग पाए। हम भी ये सोच रहे थे कि कैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी राइट माइंडेड आदमी सीसीटीवी कैमरा लगने का इतना विरोध कर सकता है जिससे महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी। पर आज ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा और कांग्रेस को ये डर है कि वे जो चुनाव से पहले दारू और पैसा बांटते हैं, वोटर्स में दारू और पैसा बांटते हैं, उनके वो काले कारनामों पर रोक लग जाएगी और यदि वे काले कारनामे करेंगे तो वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी।